गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं सोच रहा था कि जो समय है इतने जल्दी समय बीत जाता है कि कुछ पता ही नहीं लगता है। अभी आपको दिखाते हैं मतलब समय कौन सा बीता हुआ है। अभी आज हमारे मन में एक ख्याल आया कि जो ये अपने गन्ने लगे थे, गन्ने में मतलब ठंडियों में तो बड़े बड़े गन्ने थे, बहुत बड़े बड़े थे। आपको मतलब किसी वीडियो में भी दिखाया था, उधर बाहर भी हमारा एक खेत है तो वहाँ पे भी गए थे, सारे मतलब सीन दिखाया था आपको कि गन्ने में क्या मतलब कैसे गन्ना लगाए क्या है, सारी चीज़ दिखाते। तो समय इतना जल्दी बीत जाता है भाई कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कि ये कि ठंडियों में तो गन्ना लगा था और ठंडी निकलते समय नहीं लगा, ठंडी तो पूरा निकल गया और गन्ने भी कट गए और गन्ने इस साल कटे। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे, पता है जब गन्ने बड़े होते थे इतनी चाह रहती थी अंदर से कि भाई कब गन्ने तैयार हों और कब हम गन्ने को चूसें, मतलब उसके रस को अंदर लें। तो गन्ने चूसने के बहुत फायदे होते हैं, जैसे खून जो होता है, खून का सर्कुलेशन भी सही होता है, कुछ मतलब बहुत लाभकारी है शरीर के लिए। तो हम लोग मतलब बहुत चूसते थे गन्ने बचपन में, करीब 10-20-30 गन्ने निकल जाते थे पूरे सीजन में। और अभी मैं सोच रहा था कि इस साल भाई मैंने एक गन्ना भी नहीं चूसा, अगले साल एक या दो मतलब चूसा था, इस साल तो भाई मैंने एक गन्ने भी नहीं चूसा। पूरा पूरा सीजन निकल गया, पूरा ठंडी निकल गया, गन्ने कट गए, गन्ने कट के फिर देखो इतने इतने हो गए। ये अपने गन्ने हैं, इधर पूरा प्लाट इधर जो लगा है ये पूरा अपना गन्ना है, इधर भी पूरा अपना गन्ना है इधर साइड में, और इधर देखो इधर ये भी छोटे लगे हैं ये वाला, बाकी इधर भी पूरा गन्ना ही गन्ना है। तो और वहाँ उस वाले खेत में जो 7-8 बीघे का खेत है, उधर साइड में दिखाया था मैंने, कभी कभी जाते थे तो वहाँ पे पूरा गन्ना लगा है, मगर पूरे सीजन बीत गए, इस साल मैंने कोई गन्ना नहीं चूसा। और गन्ने के जो पौधे होते हैं अभी आप देखो ये छोटे छोटे, अभी इसमें हरे हरे घास भी खूब लगे हैं, खूब ज़्यादा लगे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये सब जो है ये सब घास हैं और ये गन्ने का पेड़ है, मतलब पौधा जो गन्ने का बोला जाता है। और इसकी पत्तियाँ देखो, पहले ऐसे ही बड़े होते हैं तब भी पत्तियाँ रहती हैं पर काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती हैं, अभी देखो छोटे से हैं, नॉर्मल से हैं, तो अभी थोड़ा सा ये कड़क नहीं महसूस हो रहा है। जब और बड़े होते हैं तो इससे हाथ अगर हाथ वगैरह कटने के बहुत से चांस होते हैं, ऐसे गन्ने में अगर हाथ लग जाए तो ये कट जाता है। तो गन्ने में बहुत सोच समझ के हम लोग हिलते हैं भाई। और ये देखिए इधर भी और इधर भी लगा है, पर देखिए भाई जो छोटे गन्ने होते हैं इसके पौधे भी बहुत क्यूट होते हैं, काफ़ी हरे भरे होते हैं। तो एक बात और है भाई कि पिछले कई दिनों से हम वीडियो भी नहीं बना रहे थे, तो अभी चैनल पे कंटिन्यू सोच रहे हैं कि आ जाएं, क्योंकि अभी जो है भाई मेरा इस मतलब इस महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ऐसे व्यू भी बहुत लो चला गया है और पैसे की अर्निंग जो थी वो भी बहुत कम हो गया है। वैसे कुछ हो जाता था थोड़ा बहुत, तो वो भी नहीं अभी फ़िलहाल के लिए हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि अब वीडियो पे कंटिन्यू आ जाए, जब वीडियो पे काम करना है तो कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी होता है। लो देखो अभी इनको देखो भाई, अभी अकेले अकेले घूम रहे हैं, कुछ मन नहीं लग रहा है, ये देखो शांत पूर्वक चुपचाप खड़े हैं। जब इनका वो वाला जोड़ा था छोटा वाला तो काफ़ी शरारती थे दोनों लोग, पर अब जो है काफ़ी ठंड माहौल के हो गए। अभी देखो यहाँ पे हमने कुछ पत्तियाँ वगैरह बांध के रखा था तो इसमें से इन्होंने कुछ खाया वाया नहीं है। अभी देखो ये वाला दो खाओ, हेलो लो, और इसकी साइज़ देखो अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो गई है, ये देखो देखो। तो मतलब इनको बेचने का इरादा था हमारा कि हम इनको मतलब निकाल देंगे अभी के लिए, बकरा ईद आ रहा है एक त्यौहार तो उसमें। तो अभी देखो इनका 10 मिल रहा था, 10,000 बचम्पू जो हैं 12,000 मांग रहे थे कि 12,000 अगर इनका मिल जाए तो इन्हें हम दे देंगे, तो अभी 12 नहीं 10 फिलहाल के लिए मिल रहा था। अभी सोच रहे हैं कि 10-15 दिन 20 दिन और रखेंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ और हो जाए। तो लो खाओ, देखो आलू भी नहीं खा रहा है, हट दिखाओ सबसे पहले हा? देखो अभी ये नीचे वाला जो दो दांत था देखो अभी दिख नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर लाओ इधर लाओ, रुक जाओ डोरी पकड़, हाँ चलो खोलो मुँह इसका। देखो ये जो नीचे वाला दो दांत थे इसको मतलब ये काफ़ी बड़े हुए थे, उसके बाद ये टूट गए थे, फिर से जमा है, मतलब ये कहते हैं कि अब ये दो दांत का हो गया है, ये वाला दांत। देखो इस तरह से लोग इन्हें प्यार करते हैं, मतलब चंपू सालू सब लोग खूब इन्हें मानते हैं। और इनकी सींग देखो कितनी शानदार सींग है, वाह ये देखो बड़े बड़े भाले वाले, कलर भी बहुत मस्त है।
लो आओ 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 आओ, ले ले चल। आ गया था पर देखो वहीं पर रुक गया, यहाँ पे मतलब खाने के चक्कर में। वैसे बकरा बकरी ये सब मतलब पालने का मुझे कोई खास शौक नहीं था, नहीं तो मुझे मतलब इसकी ज़रूरत थी, पर ये कहाँ से आ गया था अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था इसके बारे में। तो चलिए आज आपको हम इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं, पूरी स्टोरी इसकी लाइफ की कि कैसे क्या हुआ और ये हमारे घर पे आ गया। करीब 3-4 साल पहले की बात है, जब हमने मतलब अपने चैनल की शुरुआत भी नहीं की थी, उससे पहले की बात है। हमारे सिस्टर ने अपने गांव में एक छोटी सी बकरी खरीदा था, बच्चा था, तो उसे सालू को दे दिया। उन्होंने उसे लेकर आए और सालू को दे दिए, कहे कि ये सालू मतलब छोटी थी तब, तो दे दिए उन्होंने कि इसे बेटा पालना रखना, मतलब कुछ जब पैसे पाना इसको बेच लेना, आप ले लेना। तो वो था, मैंने लाया था अपने घर पे, करीब एक महीने के आसपास उसको मैंने रखा था। मुझे दिक्कत होने लगी थी बकरी से, मतलब कि ऐसे मतलब पालने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैंने उसे उठा के दूसरे को दे दिया बटाइए पे। मतलब आधा वो मतलब एक लोग को दे दिया था इस तरह से कि अगर वो खिलाए पिलाए रखे और जो बच्चा मतलब मिले, बच्चा मतलब वो जो दे उसका आधा आधा, तो इस तरह से हमने दे दिया था। तो एक बार तो भाई उसने बच्चा दिया, बड़ा हुआ, तो वहाँ पे उसने एक बच्चा मुझे दिया था, एक बच्चा अपने को लिया था। तो एक बच्चा का मतलब पैसे बेच के दे दिया था, मतलब उसे हमने लिया था। फिर दूसरा बात था कि मतलब फिर वहाँ से मैं ले आए, फिर एक बार एक लोग को और दिए, तो वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम कुछ हुआ। उसके बाद में फिर वहाँ से ले आए, फिर एक तीसरे को दिए, तो तीसरे में ये एक निकला था, ये देखो अभी आ रहा है हमारे पीछे पीछे, देखो मतलब जहाँ हम जाते हैं अक्सर ये आ जाता है, ऐसा होता है। मतलब चाहे चंपू हो चाहे सालू, मतलब चाहे हम कोई भी मतलब घर का सदस्य अपने, देखो आ गया यहाँ पे तिवारा। जब उसने मतलब दो बच्चे और दिए, तो फर्स्ट वाला ये था, ये तो उसने मुझे बकरी की भी वापस कर दी, और नहीं बकरी नहीं वापस की थी, उसने मुझे इसको दिया और एक अपने को ले लिया, मतलब अपने को एक उसने अपने को ले लिया, एक मुझे दिया, मेरा वाला नहीं बचा। उसने कहा इसे ले जाओ और तू अपने हाथ से बेचना। तो भाई मैंने इसको लेकर आया, तो अभी छोटा था जब लेकर आए थे, कई दिनों से मतलब करीब 3-4 महीने से यहीं पर रह रहा है, वही ठंडी से पहले पहले लगभग 4-5 महीने हो गए होंगे। तो ये जो था अभी तो फिलहाल ये बड़ा हो गया है। उसके बाद में उसने एक बार और बच्चा दिया, तो वो जो छोटी वाली थी आपको दिखाया था मैंने, जो एक्सपायर कर गई थी, तो वो वाली थी, तो उसने 3 बच्चे दिए थे उस बार। तो उसके यहाँ तो दो मतलब एक मर गया था और 2 बच्चे थे, तो एक उसने ले लिया था, एक हमको दे दिया था, और बकरी भी उसकी माँ को भी वापस कर दिया था उसने। उसकी जो माँ थी उसे हमने बेच दिया 2000 रुपये में, मतलब काफ़ी उम्रदार हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसे निकाल देते हैं, और जो बच्चा है वो भी बड़ा हो जाएगा उसको भी निकाल देंगे, या फिर परी रहेगी मतलब रखे रहेंगे बच्चों की मर्जी। तो फिर उसने जो है उसको मैंने 2000 के बेच दिया, और वो बच्चा था बहुत छोटा था, ठंडी में लाए थे, तो वो जो था बच्चा खिलाया पिलाया, सालू चंपू सब लोग मतलब मिलके खिलाते थे, तो वो बच्चा भी काफ़ी बड़ा हो गया था, आपको दिखाया था। तो अपने हम परिवार जैसे उसको रख रहे थे, एक उस बच्चे को एक इस बड़े वाले को, तो दोनों बिल्कुल साथ में थे, उसमें कोई दिक्कतें नहीं रहते, मिलजुल के रहते थे दोनों और खाते पीते थे। फिर जब ऐसे अचानक तबीयत ख़राब हुआ, मर गया, वीडियो भी मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर, आप देख लेना, मतलब या तो हो सकता है आपने वीडियो देखा भी हो, तो जैसा भी है मतलब वीडियो में सारे चीज़ हमने दिखाया था। उसके बाद में तो वो तो भाई गई, पर ये वाला जो है ये बड़ा वाला अभी हमारे पास में है, इसको भी करीब एक महीने के अंदर अंदर जो है निकाल देंगे। यही थी इसकी पूरी रियल कहानी, मतलब पालने के मुझे कोई शौक नहीं थी, सिस्टर ने दिया था सालू को, तो सालू से मतलब कई बार उसने उससे बच्चे मिले, बेचा, मतलब ये सब सारे सिस्टम हुए। उसके बाद बकरी की बकरी को भी उसने वापस कर दिया, बकरी को फिर हमने बेच दिया 2000 में, फिर सारी सेवा समाप्त हो गई, बस लास्ट यही बचा है। अब भाई ये भी जाए, उसके बाद में सेवा समाप्त। तो बस यही थी आज का वीडियो, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को भी ही पेंट करते हैं, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।